अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होगे। तो आज की वीडियो, आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू। तो आज की वीडियो भी जो है ना आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह, बहुत पसंद आएगी। ये जो वीडियो मैंने बनाई है, हमारे इलाके में मेरे दोस्त की शादी थी, उसकी बारात थी आज। तो उसकी बारात में जो ये लेवा थे, ये गाड़ी के ऊपर स्पीकर रखे हुए हैं और लाइटिंग की हुई है। ये आजकल नया फैशन निकला है लेवा का, भारत में ले जाने का। तो ये कंपाउंड के अंदर से देखो सब निकल रहे हैं, गाड़ी भी निकली थी, लड़के निकल रहे हैं, वो पीछे दूल्हे की गाड़ी खड़ी है। अब यहाँ सब जमा हो के सब नाचेंगे। गाने तो बहुत अच्छे अच्छे बज रहे थे, लेकिन मैंने जो है ना वो आवाज़ गानों की जो है ना मैंने वीडियो में से काट दी है, इसीलिए कि मेरे चैनल पे कॉपीराइट लग जाएगा। इसीलिए मैंने गाने हटा दिए हैं, मैं अपनी वॉइस ओवर कर रहा हूँ और अपनी वॉइस से आपसे बात कर रहा हूँ। गाने तो बहुत अच्छे अच्छे बज रहे थे, आप भी बोलोगे कि इसमें तो गाने भी होने चाहिए, जैसे डांस करें लोग तो गाने भी ऐसे बजने चाहिए। लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मेरे चैनल के लिए मसला हो जाएगा, मेरा चैनल ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने गाने काट के अपनी आवाज़ भर रहा हूँ ताकि आप मेरी आवाज़ सुन सकें और ये लोगों को आप देख सकें कि किस तरह डांस कर रहे हैं, प्रोग्राम हो रहा है। सारे लड़के जो है मेरे मोहल्ले के ही हैं, ये पूरा पूरा मेरा मोहल्ला है, जितने भी बंदे हैं दोस्त यार सब मेरे थे। तो मैं एक साइड पे खड़े रह के वीडियो बना रहा था इन लोगों की, ये सब नाच रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, आप इंजॉय करें वीडियो देख के। तो मेरी वीडियो को शेयर कर देना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप देखते रहें वीडियो, एंजॉय करते रहें। ये देखें जो निशान आ रहा है मेरे दोस्त मोहम्मद अली के ऊपर आ रहा है, कि ये देखें बहुत बंदा मशहूर है डांस में। अब इसकी माशाल्लाह उम्र बड़ी हो गई, लेकिन अभी भी डांस ऐसे ही कर रहा है जैसे यंग लड़का कर रहा है। ये पीछे दूल्हे की गाड़ी खड़ी है। तो यहाँ थोड़ी देर जो है ना सब नाचते रहते हैं, फिर आगे निकलते हैं रोड की तरफ, फिर आस्ते आस्ते आगे जाते हैं तो हॉल में जाते हैं दूल्हे को लेके। वहाँ से फिर रुखसती होती है दुल्हन की, लेकिन वहाँ तक मैं नहीं गया, मैं उससे पहले ही वापस आ गया क्योंकि लेट हो गया था। तो मैंने बोला अब ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं, घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए और मैं जो है नीचे यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। घर वालों को पता ही नहीं था, ये मेरा दोस्त खड़ा हुआ है राशिद, ये भी मेरा दोस्त है, ये दूल्हा है, इसको दूल्हा दूल्हा बोलते हैं लेकिन इसका नाम मोहम्मद साले है, साले मोहम्मद नाम है इसका असल, लेकिन दूल्हे दूल्हा से मशहूर है ये। तो आप देखते रहें मेरी वीडियो, एंजॉय करते रहें, कैसे देखे डांस कर रहे हैं लड़के, बड़ा जोश आ गया था इनको डांस करने में। जोश तो मेरे को भी आ रहा था डांस करने का, लेकिन क्या करूं, मैं वीडियो बना रहा था। अब मैंने बोला मैं डांस करने जाऊं तो वीडियो कौन बनाएगा, तो इसलिए मैं साइड पे खड़े रह के सबकी वीडियो बना रहा था। तो ये आप देखते रहे वीडियो, एंजॉय करते रहे मेरी। अगर इस वीडियो में गाने भी होते ना तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती गाने के साथ, लेकिन अब क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मैं गाना नहीं डाल सकता। मैंने पहले भी जैसे आपको बोला था मेरे चैनल पे कॉपीराइट लग जाएगा, मेरे चैनल के लिए मसला हो जाएगा, इस वजह से मैं जो है ना गाने हटा देता हूँ, फिर मैं अपनी आवाज़ भर देता हूँ। वरना ये वीडियो तो ऐसी है, गाने के बगैर मज़ा ही नहीं करे, लेकिन बस मजबूरी है, आप मेरी मजबूरी को समझें और मेरी वीडियो को देखें। अब दूल्हे की गाड़ी आगे आ रही है, दूल्हा आगे बैठ रहा है, दूल्हे का नाम है साबिर, साबिर नाम है दूल्हे का, ये भी मेरा दोस्त है। इसकी जो है ना अब नई ज़िंदगी शुरू हो गई आज से, आज से इसकी नई जिंदगी शुरू हो गई, और लड्डू भी खाएगा, वो कहते हैं कि जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए। ये लड्डू ऐसा है बाबा, शादी का लड्डू,
लड्डू 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 लड्डू, जो खाए भी पछता है, जो ना खाए भी पछता है, लड्डू लड्डू लड्डू। और मुझे जो है ना बहुत ही अफसोस होता है, बहुत ही दुख होता है कि क्यों कि मैं जो है ना इतनी मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, आपको आपके लिए, आप एंजॉय करें मेरी वीडियो, हर जगह देखें, लेकिन अफसोस ये होता है कि मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं। व्यूज़ जिस चीज़ के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि मेरी वीडियो पे व्यूज़ बढ़ने चाहिए, लेकिन मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ते। बाबा क्या करूँ बाबा, इतनी मेहनत करता हूँ बाबा व्यूज़ बढ़ने के लिए, लेकिन मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी वीडियो ज़रूर देखा करें ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ते रहें बढ़ते रहें बढ़ते रहें। मैं इतनी मेहनत करता रहूँ करता रहूँ करता रहूँ। ये आप देखें, ये गाड़ी में बैठा है साबिर दूल्हा, इसके साथ बैठा हुआ है इसका बेनोई हुसैन पेलेम्बर, पेलेम्बर हुसैन पेलेम्बर, ये पेलेम्बर ही का काम करता है हुसैन। ये आप देखें, अब मैं अंदर भी ज़रा इसके मुंह पे ले जाऊंगा कैमरा ताकि आप देख सकें दूल्हा कौन है। ये साबिर है, देखो मुंह भी चला रहा है, खुश लगा पड़ा है, खुश, ये आज की रात तो खुश लगा रहेगा। ये देखें फिर गाड़ी खड़ी हो गई है, अल्लाह इसको खुश रखे अपनी ज़िंदगी में, इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही आए, कोई परेशानी कोई रुकावट ना आए। ये फिर आ गया मैं, देखो आपके सामने, ये सामने का कैमरा चालू करके मैं आ गया, इसीलिए कि आप बोलोगे कि स्माइल तो है ही नहीं वीडियो में, कहाँ गया स्माइल, तो स्माइल भी आ गया आपके सामने। ये देखें, ये पीछे गाड़ी खड़ी है, टेप लगी पड़ी है, सुजुकी खड़ी पड़ी है, और ये मूसा लेन के रोड पे हम आ गए। तो उम्मीद करता हूँ ये फिर से हम निकल पड़े मेन रोड पे, ये सामने आ गया वन विंडो मॉल, वन विंडो मॉल, ये सामने तंदूर वाला है, शीमाल वाला है। हमारी गली की वीडियो भी बन गई, देखो पूरा मोहल्ला दिख गया सामने, वन विंडो मॉल नज़र आ रहा है आपको, यहाँ हर एक चीज़ मिल जाती है वन विंडो मॉल में। मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि ये वीडियो बना के फिर मैं वापसी में सीधा ऐसी मॉल के अंदर गया था, मेरे लिए मेरे को घर वालों ने बोला कि आटा लेके आना, आटा ख़त्म हो गया है। तो मैं फिर वापसी में जो है ना वीडियो ख़त्म करके जो मैं ना इस मॉल में गया था बाबा, इस मॉल में जो है ना मैंने चक्की का आटा ख़रीदा, और मैंने क्या ख़रीदा, अपने बच्चे के दूध का पाउडर ख़रीदा, और मेरी बेटी मेरे साथ थी, वो बोलती थी पापा चकोस लेके, तो चकोस मैं चकोस खाती हूँ बड़े शौक से चकोस। तो मैंने बोला बेटा ले लो, आप भी ले लो चकोस ले लो। फिर मेरी बेटी को मैंने चकोस लेके दिया, आटा ले आया मैंने, फिर वहाँ से मैं आया घर पे वापसी में। हाँ चौकोस, चौकोस के चकोस एक ही बात है। ये आप देखें, हम ये रोड के ऊपर जो है ना गाड़ी घुमा रहे थे तो रोड पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था, रोड ब्लॉक हो गया था, ये रोड खुलवा रहे हैं। देखो ये दूल्हे का भाई है बड़ा, जो ऐसे हाथ के इशारे करे ना गाड़ी को, ले आओ, ये दूल्हे का भाई है बड़ा, इसका नाम है अब्दुल हमीद। तो यहाँ से गाड़ी टर्न हो रही है सीधा जाने के लिए हॉल में, तो मैं वहीं खड़ा हो गया था रोड के ऊपर, क्योंकि रोड पे ट्रैफिक बहुत जाम हो गई थी, मेरी बेटी मेरे साथ थी, मैंने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था, एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, वीडियो भी बना रहा था, अपनी बेटी को संभाला भी हुआ था, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत थी रोड पे, रश भी बहुत थी। फिर मैं थोड़ा आगे निकल गया तो यहाँ फिर गाड़ी रुक गई, पता नहीं क्यों रुक गई थी, मैं तो वीडियो चालू रखी थी अपनी, वीडियो चला रहा था। ये सामने फिर देखे वन विंडो मॉल आ गया जहाँ से मैंने आटा लिया था। तो आप वीडियो देखते रहेंगे, ये आगे जा रहा है बाबल, बाबल की दुआएं लेती जा, बाबुल जा रहा है बाबुल। मैंने इसकी वीडियो बनाई तो मेरे सामने कैमरे के ऐसे आ रहा है सीधा सीधा, फिर मेरे आके बोलते मेरी, मैं भी आ गया, मैंने बोला तू क्या, सब आ रहे, सब पूरा मोहल्ला आ रहा है। ये देखो ये तोकी आ रहा है मेरा दोस्त, उसको तो आपने देखा होगा पहचान लिया होगा, ये पहले भी मेरे साथ वीडियो में आ चुका है मंडी वगैरह में, यहाँ वहाँ इसको तो आप पहचानते ही होगे। ये आगे हम जा रहे हैं सामने, तो थोड़ा जो आगे जाएंगे ये सीधी हाथ पे देखें कौसर मस्जिद है, इसके आगे जाएंगे तो
उल्टे हाथ पे जो है ना बेटा ही ओला जाएगा। तो आप वीडियो देखते रहें, एंजॉय करते रहें, लेकिन मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं बढ़े बाबा, व्यूज़ तो बढ़ा दो ना भाई, मेरे यूट्यूब के वीडियो पे व्यूज़ बढ़ा दो। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए ताकि आपको वीडियो देखने में मज़ा आ जाए तो मेरे व्यूज़ भी बढ़ जाएं। मेन बात है व्यूज़ के ऊपर, जब तक व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे मेरी वीडियो फेमस नहीं होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि मेरी वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। ये लड़के सारे मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, ये सब मोहल्ले के लड़के हैं, ये देखें ये भी सारे मोहल्ले के लड़के हैं। तो रोड पे तो बहुत रश हो गया था, ट्रैफिक जाम हो गई थी। चलो फिर अब मिलते हैं घर पे, घर पे जाके मैं आपसे दोबारा थोड़ी सी बात कर लूँगा इस वीडियो के हवाले से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की भी वीडियो जो है ना, ये वाली वीडियो जो हमारे कच्छियों के लेवा है और गाने इसी तरह बजते हैं शादी में हमारे, या हमारी कच्छियों की शादियों को शादी में इस तरह गाने बजते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो देख के लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना खूब सारा, अपने भाई को भी याद रखना, अपने भाई के चैनल को आगे भी बढ़ाना, वीडियो भी आगे बढ़ाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।